योगी आदित्यनाथ ने खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाय इलेक्शन जो होने जा रहे हैं